अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी हमने यही वाला जो व्लॉग होता है, इंशाल्लाह आप फेसबुक पे भी देख सकेंगे। फेसबुक पे भी हमारा पेज रफ़ीक अफजल व्लॉग के नाम से ही है। तो उम्मीद है कि जिस तरह आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, आप फेसबुक पे भी इंशाल्लाह फॉलो करेंगे और इसी तरह आपकी सपोर्ट रहेगी हमारे साथ। और कोशिश करेंगे जिस तरह आपको कोई नई चीज़ हमारे जहाँ जाते हैं देखते हैं तो आपके साथ शेयर की जाती है, और इसी तरह और भी नई लोकेशंस, नए लोगों से मुलाकात, जो भी डिस्कशन इंशाल्लाह होगी उनके इलम से जो फ़ायदा हम दे सकते हैं और ख़ुद भी ले सकते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उसको फेसबुक के चैनल को भी, फेसबुक के पेज को भी आप सपोर्ट करेंगे। तो दुआओं में याद रखें और इसको इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आज हम लोग एक कुछ दोस्त हैं इधर महमूदाबाद में, बड़े अच्छा सेटअप है, बड़ा अच्छा नॉलेज है। उन्होंने बोला था कि भाई आप लोग चक्कर लगाएं, गपशप भी होगी और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से भी निकले। और उनका बड़ा अच्छी ग्रिप है माशाल्लाह मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से, और जो आजकल अभी चल रही हैं चीज़ें रूहानियत के हिसाब से भी बड़ा उनका माशाल्लाह है। तो बड़ा अच्छा उनके साथ एक नशस्त रही। तो वहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि जी यार जो आजकल नफ्सा नफ्सी है, भागम भाग लगी हुई है, तो एक दूसरे के साथ जो इंट्रैक्शन है वो कम हो गया है, एक दूसरे से मिलना मिलाना जो है बिल्कुल ना होने जैसा है। तो बड़ी अच्छी एक उन्होंने एग्जांपल दी कि वो यही बोल रहे थे कि यार देखो आप एक आप व्हाट्सएप डेली यूज़ करते हैं, तो जिनके साथ आपके डेली के रबते रहते हैं वो नंबर्स हमेशा आपके ऊपर रहते हैं, और जिनके साथ आपका रबता कम होता जाता है तो उनके नंबर जो है ना आपको नीचे आते जाते हैं। तो रबतों में रहें ताकि जो है ना आपके साथ आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का मिलना मिलाना जो है वो जितना रहेगा वो आपके नंबर्स की तरह जो है आपके करीब भी रहेंगे, और जो आपके स्कूल के क्लास फेलो हैं उनके साथ आपका एक और रिश्ता होता है, उनके साथ आपकी और तरह की गपशप होती है। जो आपके स्कूल के बाद आप किसी जॉब में जाते हैं, वहाँ के आपके कोर्समेट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, क्लास फेलोज होते हैं, या ऑफिस के कलीग होते हैं, उनके साथ एक आपका और तरह का रिश्ता होता है, उनके साथ आप और तरह की गपशप लगाते हैं। तो एक लेवल्स हैं रिलेशंस के, वो उन रिलेशंस को आप कायम रखेंगे तो आपके बहुत सारे जो स्ट्रेस हैं ना वो ज़िंदगी में कम होंगे। आप स्कूल के क्लास फेलो के साथ जब बैठेंगे तो आपकी गपशप और लेवल की होगी, और आप भूल जाएंगे कि जी जो भी आपको ऑफिस में परेशानी है या कोई और परेशानी है, तो एक आपको मिल बैठने का मौका मिलता है, आप खुले बातें करते हैं, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, आपस वालों के साथ बैठते हैं तो पुरानी जो आपके दिन अच्छे गुजरे होते हैं वो आपके आप उनको याद करते हैं, यार फलां जगह पे ये हुआ था, फलां जगह पे ये हुआ था। तो आप सब कुछ कुछ टाइम के लिए जो भी आप बैठते हैं, घंटा दो घंटा जो भी बैठते हैं, तो आप इन चीज़ों पे सब कुछ चीज़ें जो होती हैं वर्क लोड जो होता है आपका उसको भूल जाते हैं और अच्छा टाइम आपका पास हो जाता है, और इसका आपका लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपके सोचने समझने, आपकी वर्किंग सब कुछ जो है ना इम्प्रूव हो जाती है। आप इसको आजमा के देखें और आप फील करेंगे। कुछ अभी हमारे दोस्त हैं, पिछले दो महीने पहले हम गपशप की, गेट टुगेदर किया, और अभी फिर सारे
लगे हुए हैं कि यार कुछ अभी फिर दोबारा बैठें। कुछ दोस्त आउट ऑफ कंट्री हैं, वो भी आए हुए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि चलो हम भी इस दफ़ा आपके साथ ज्वाइन कर लें। तो एक ये चाहत होती है आपकी दोस्तों के साथ, और आप बैठें, फैमिली गेट टुगेदर करें, वैसे बैठें, आप अपने फैमिली को आउटिंग में लेके जाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये आपकी लाइफ पे एक बहुत बड़ा असर होता है। आप जितना भी काम कर लें, ये नहीं ख़त्म होने वाले काम ख़त्म नहीं होते। ना ही आप समझेंगे जी आप यार ये कर लूँ तो ये बस फिर अगले हफ्ते ये कर लूँ, या तो ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, और लाइफ इसी तरह जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अपने आप को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों को आउटिंग पे लेके जाएं, तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आ गई हैं। आप इसको आजमा के देखें और आप खुद इसको ना अपने आप को ईजी फील करेंगे, आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे, और आपके रिलेशन जो हैं फैमिली में दोस्तों में बहुत अच्छा, यानी कि सोशल लाइफ को आप कट ऑफ नहीं करें। आप अपने कामों में, अपने बिजनेस में जो भी आप कर रहे हैं उसमें सोशल होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी चीज़ से कट ऑफ हो जाएंगे तो आप समझेंगे आपने अपनी लाइफ का बहुत हिस्सा ज़ाया कर दिया। तो अपने आप को सोशल रखें, लोगों में घुलना मिलना रखें, आप के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके वर्क के लिए आप फील करेंगे कि जी उसके अंदर डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आ रही है। अगर आप वही स्ट्रेस लेके घर आएंगे, आते ही जनाब ना ऑफिस वाला गुस्सा बच्चों पे निकालेंगे, तो आपकी घर की लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आपकी अपनी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, और घर पे आके आपको शुगर हो जाएगी, डिप्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर जो है ना 12-12, 14-14 गोलियां खा के आपको नींद फिर भी नहीं आएगी। तो उससे बेहतर यह है कि आप अपनी सोशल लाइफ को एक्टिवेट करें, एक्टिविटी बढ़ाएं, अपने दोस्तों में गुलने में बैठें, फ्री लगोटिया यारों से गपशप करें, तो आपको गोलियों से भी जान छूट जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं आई होगा, आपकी शुगर भी नहीं आई होगी, ठीक है। तो अपने आप को सोशल रखें और कोशिश करें अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करें, दोस्तों के साथ आउटिंग करें, गेट टुगेदर करें, बैठें, अपने आप को दूर नहीं रखें सोशल लाइफ से, अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, हफ्ते वीकेंड पे करें, महीने में एक दफा करें, जो भी है, लेकिन इसको सोशल लाइफ को अपनी को एक्टिवेट करें। तो यही आज हमारी इस पे बातचीत गपशप हो रही थी, तो मैंने बोला चलें आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, और उम्मीद है कि इसको आप आजमा के देखें और फिर कमेंट्स में बताएं कि आपकी लाइफ में कितना फ़र्क आया और आप किस तरह अपने आप को फील कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको बेहतर फील करेंगे और इसको आजमा के देखें, आपकी बहुत सारी परेशानियों से जान छूट जाएगी। अल्लाह ताला आपको उन सबको अपने अफजमान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक को भी सपोर्ट करें, यूट्यूब को भी सपोर्ट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।